नमस्कार फ्रेंड्स, बीपीएससी अकेडमी यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं बीएससी सीजीएल के एक्सपेक्टेड कटअप को लेकर के। हालांकि मैं इसको एक्सपेक्टेड कटअप नहीं बोलना चाहूँगा, एक सेफ स्कोर क्या हो सकता है एक स्टूडेंट के लिए, ताकि वो इसको आधार मानकर चले कि मुझे एग्ज़ाम में कम से कम इतना स्कोर तो करना ही, अगर मुझे प्री को क्वालिफाई करना है तो। जैसा कि आपको पता होगा, बीपीएससी का रिजल्ट जारी कर दिया गया 67वीं बीपीएससी का, और अभी तक का सबसे हाईएस्ट कटअप रहा है। किसी ने भी ये नहीं सोचकर चला था कि 113 नंबर बीपीएससी का कटअप जा सकता है। तो कहीं ना कहीं फ्रेंड, बीएससी से सीजीएल की जो तैयारी कर रहे थे और जिनका बीपीएससी में नहीं भी हुआ है, उनके लिए भी एक रियली शॉकिंग न्यूज़ है। और कहीं ना कहीं बहुत सारे स्टूडेंट को ये लग रहा होगा कि बीपीएससी में जब इतना हाई कटअप जा सकता है, तो सचिवालय सहायक में भी निश्चित तौर पर हाई कटअप जाएगा। तो ये कंप्लीट वीडियो होने वाला है फ्रेंड। मैं आपको एक आधार बताने वाला हूं कि अगर आप इतना आधार मानकर मिनिमम अगर चलते हैं, तो निश्चित तौर पे आपका रिजल्ट हो सकता है। तो सबसे पहले अगर बात करें फ्रेंड कि कटअप को आखिर कौन से फैक्टर हैं जो प्रभावित करते हैं, तो मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो दो फैक्टर कटअप को प्रभावित करते हैं। पहला तो ये कि आखिर उस एग्जाम में पेपर कैसा पूछा गया, दूसरा कि आखिर उस एग्जाम में भाग लेने वाले स्टूडेंट हैं उनका प्रिपरेशन किस प्रकार से है। तो अगर आपने देखा होगा इस बार का बीपीएससी का पेपर, तो इसका कटअप क्यों हाई गया है, मैं आपको थोड़ा सा समझाना चाहता हूं। इससे आप समझ सकते हैं कि सीजीएल में आपका क्या होने वाला है। तो अगर आपने बीपीएससी का पेपर देखा होगा, तो पहला नंबर जो इस बार का बीपीएससी के कटअप को हाई ले गया, वो ये था कि इसका पेपर था वो बीपीएससी लायक था ही नहीं। बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं कि पेपर में धांधली हुआ है, तो बिल्कुल मैं ये मानता हूं कि 2-4-10% धांधली हुआ है, लेकिन मेजर ये फैक्टर है फ्रेंड, इस बार का बीपीएससी का पेपर आसान आया था। तो अगर कोई भी पेपर अगर आसान आता है, तो निश्चित तौर पे कटअप हाई जाएगा ही। दूसरी ये कारण थी फ्रेंड कि आपको पता होगा बीपीएससी को लेकर के बहुत सारे लोगों में रुझान पैदा हुआ है, और दूसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात, बीपीएससी की तैयारी करने के लिए बहुत ज़्यादा समय मिल गया था, और यही चीज़ आपके सचिवालय सहायक में भी होने वाली है। आपको पता होगा जब 2016 के बाद अभी बहुत बार बिहार दरोगा की वैकेंसी आई, और बहुत सारे अभी स्टूडेंट बहुत ज़्यादा बहुत दिनों से, कोई 2 बार से, कोई 3 बार से बिहार दरोगा की, कोई बीपीएससी की, कोई रेलवे की तैयारी कर रहा था। आप ये मान के चल सकते हैं अभी जो स्टूडेंट हैं उनका तैयारी ऐसा नहीं हुआ है कि 2-3 साल से छोड़ के कर रहे हैं, उनका तैयारी अभी पीक पे है, और ये आपके लिए बहुत ही नुकसानदेह साबित हो सकता है। और बिहार में अगर बीपीएससी का 113 नंबर कटअप गया है फ्रेंड, तो आप मान के चलिए कि आपके लिए जो अभी सचिवालय सहायक है वो इतना आसान नहीं रहने वाला है। आपको कम से कम, मेजर में बता रहा हूं, ऐसे हो सकता है 103, 105, 108 ही कटअप जाए, लेकिन आपको कम से कम 120 नंबर को आपको आधार मान के तैयारी करना होगा। कम से कम आप मान के चलिए कि मैं अगर एग्जाम में बैठ रहा हूं, तो मुझे कम से कम 115 नंबर स्कोर करना है, क्योंकि आपके जैसे बिहार में 8-10 लाख स्टूडेंटों ने इस फॉर्म को भरा है, और नौकरी सिर्फ और सिर्फ 2000 स्टूडेंटों को होगी। फ्रेंड हमेशा ये पूछते हैं कि कटअप क्यों हाई जा रही है, तो कटअप हाई जाने का ये कारण नहीं है कि धांधली हुई, कटअप हाई जाने का यह भी कारण है फ्रेंड कि स्टूडेंट ने बहुत ज़्यादा मेहनत भी किया है। तो आप ये सोच के रखिए कि मुझे कटअप को ऐसा तैयार करना है, मैं अपने आप को ऐसा तैयार करूं कि मुझे कटअप के लिए सोचना ही ना पड़े। आप कम से कम फ्रेंड अपने स्कोर को बूस्ट करने की कोशिश कीजिए 115 नंबर तक। आपके जीवन के ये जो 30-40 दिन है फ्रेंड, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आप इसका जैसे मन तैसे उपयोग कर सकते हैं, और कटअप रियली अगली बार आपके लिए चैलेंजिंग होने वाला है बीएससी सीजीएल के लिए, और इसका पुख्ता प्रमाण आपका बीपीएससी दे चुका है। तो आप बिल्कुल ये मत मान के चलिए कि मैं 30-40 दिन आराम से ऐसे घूमते फिरते आप इस एग्ज़ाम को क्रैक कर लेंगे। आपके जैसे बहुत सारे अभी स्टूडेंट दिन रात मेहनत कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पे डेली बेसिस पे कम से कम साइंस पे आप मुख्य रूप से फोकस करें, उसके साथ टेस्ट सीरीज और एनालिसिस पे और रिविज़न पर मुख्य रूप से आप अभी से फोकस करें। मैं एक टेस्ट सीरीज का लिंक दे देता हूं, बीपीएससी एकेडमी सॉरी टेस्ट बुक आपको मैं लिंक दे देता हूं। यहां पे जाकर के बीएससी सीजीएल के बहुत सारे फ्री टेस्ट आपको मिल जाएंगे, बहुत सारे आपको पैड टेस्ट भी मिलेंगे, जो आपको निश्चित तौर पे एग्जाम में हेल्प करेंगे। फ्रेंड बीपीएस कोड को लगा लीजिएगा, आपको 30-40 रुपये का आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा, साथ में आप बीपीएससी एकेडमी के परिवार के हिस्सा भी बन जाएंगे। तो अभी से आपके पास जो समय है फ्रेंड, उसका आप लोग जितना ज़्यादा से ज़्यादा रिविजन पर ध्यान दीजिए। कटअप आपके लिए रियली चैलेंजिंग होने वाला है, और आपको इसका पुख्ता प्रमाण इसके रिजल्ट के बाद भी मिलेगा। अगर निश्चित तौर पे अगर बहुत ज़्यादा कटअप है, मतलब क्वेश्चन अगर टफ नहीं पूछा जाएगा, तो कटअप आपका बहुत अच्छा खासा जाने वाला है, और आपने बीपीएससी के पेपर से देख के सीख भी गए होंगे। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो आपके से ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, तो उनको बीट करने का कोशिश कीजिए। बाकी आपके पास 30-40 दिन का समय है, इसको आप लोग जैसे मन वैसे यूज कर सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में। टेक केयर, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।